ताजमहल पर 369वें उर्स के अंतिम दिन गुरुवार को असली मजार पर हिंदुस्तानी शतरंगी चादर चढ़ाई गई। खुद्दामे रोजा ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर मजार पर चादर चढ़ाए। इस दौरान सुबह से शाम तक देशी विदेशी पर्यटकों के लिए ताजमहल निःशुल्क खोला गया। ताजमहल पर 3 दिवसीय 369वें उर्स के अंतिम दिन गुरुवार को सुबह से शाम तक देशी विदेशी पर्यटकों के लिए ताजमहल खोला गया। उर्स के पहले और दूसरे दिन 2 बजे के बाद असली मजार को दर्शन के लिए खोला गया था, लेकिन गुरुवार को सुबह से ही असली मजार को खोला गया, जिससे हर व्यक्ति मजार के दर्शन कर सके। 369वें उर्स का आज आखिरी दिन है, जो हिंदुस्तानी शतरंगी चादर आज शाहजहांवासी के मजार पर चढ़ा दी गई है। 1560 मीटर की कपड़े की चादर थी, इसका नाम हिंदुस्तानी शतरंगी चादर है, वो चढ़ा दी गई है, आज समापन हो गया। ताजमहल पर गुरुवार को हिंदुस्तानी शतरंगी चादर चढ़ाई गई। खुद में रोजा ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर ने मजार पर चादर चढ़ाई। उर्स कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि हिंदुस्तानी शतरंगी चादर एक समुदाय विशेष के नहीं, बल्कि हर समाज के व्यक्ति के साथ चढ़ाई गई है। ये किसी एक की चादर नहीं, हिंदू न मुसलमान न सिख ईसाई, सब भाइयों की चादर है, सब कौमों की चादर है। मिल गया ये आस्था का और एकता का प्रतीक दिया गया और सद्भावना के लिए दुआ मांगी गई। हमारे देश में चैन अमन रहे, उसके दुआ मांगी गई। उर्स के अंतिम दिन सुबह से पर्यटकों के लिए निशुल्क ताजमहल खोला गया, लेकिन अपराह्न 2 बजे के बाद असली मजार में 1560 मीटर कपड़े की हिंदुस्तानी सतरंगी चादर चढ़ाई गई। उर्स को लेकर उत्साह का माहौल है, ताजमहल के अंदर शहनाई बज रही है। देशी विदेशी पर्यटकों ने उर्स का आनंद लिया। 3 दिवसीय उर्स पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। पुलिस PSC के साथ CISF के जवान मुस्तैद रहे। इसी बीच ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद भ्रमण कर सुरक्षा का जायजा लेते रहे। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सबसे लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।